हालांकि आग की अभी तक क्लियर नहीं है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, तो साथ ही दो और आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर सामने आ रही है, जिसके लिए इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि मारे गए आतंकी से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसके मुताबिक आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। कठुआ से बड़ी खबर है, जहां पर मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों का सेना पर हमला, आतंकियों ने सेना के ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कठुआ डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ इस वक्त भी चल रही है। एक आतंकी के ढेर होने की जानकारी मिल रही है, और आपको बता दें कि जो आतंकी मार गिराया गया है उसके पास से बड़े हथियारों का जखीरा मिला है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे आतंकी। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुंची, और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है, और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। तीन उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में आज चंद्रबाबू नायडू जो है CM पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पवन कल्याण बन सकते हैं डिप्टी CM। ओडिशा में मोहन मांझी भी शपथ लेंगे। PM मोदी दोनों शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आंध्र प्रदेश में भी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। TDP और BJP की, साथ ही पवन कल्याण की पार्टी भी इसमें शामिल है, और पहली बार पवन कल्याण की पार्टी के दो सांसद बने हैं। और अब यहां पर एक बड़ी जीत भी, जो विधानसभा के चुनाव आंध्र प्रदेश में हुए थे पवन कल्याण की पार्टी ने हासिल की थी। आज चंद्रबाबू नायडू, आपको बता दें कि TDP के जो मुखिया है चंद्रबाबू नायडू, वो CM पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पवन कल्याण को डिप्टी CM बनाया जा सकता है। ओडिशा में मोहन मांझी भी शपथ लेंगे, और PM मोदी आज ओडिशा भी जाएंगे लिहाजा शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। इसके साथ साथ जो ओथ सेरेमनी आंध्र प्रदेश में होगी, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। समारोह में आज आपको बता दें कि RPA में मुख्यमंत्री भजन लाल भी शिरकत करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें कि सेरेमोनियल परेड की CM सलामी लेंगे, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को जो है पुलिस पदक प्रदान करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, यह बड़ी खबर जहां पर राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह। और आयुषी बड़ी बात यह है कि 3 दिन तक ये पुलिस दिवस कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग कार्यक्रम इस दौरान लगातार आयोजित होते रहे, और आज भी जो उत्कृष्ट काम जिन पुलिस वालों ने किया है उनको सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। बिल्कुल, और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नागौर में चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन नेताओं के बीच तल्खी अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव के बाद पहले हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्जा पर जो है वो तंज कसा। तो ज्योति मिर्जा हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधती हुई नजर आई, क्या कुछ हुआ है दोनों के बीच, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। चुनावी रस्साकसी के दौरान जहां ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तो वहीं अभी भी ये जुबानी जंग खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये चर्चा चलने लगी कि अब ज्योति मिर्धा वापस नागौर नहीं आएगी, लेकिन ज्योति मिर्धा नागौर आई और लोगों से मुलाकात भी की, इस दौरान जनसुनवाई भी की और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मरते दम तक नागौर में घोड़े और मैदान की लड़ाई जारी रहेगी। घोड़े और मैदान तो जब तक एक घोड़ा मर नहीं जाएगा।
इनको जितना इनको लगता है कि आ जाएंगे और कल नहीं आएंगे, बोले नेताजी हम जब जब आएंगे आपको छोड़ छोड़ करके भागना पड़ेगा। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल किसी तरीके से घालमेल करके बीजेपी में घुसना चाहते हैं। जिन जिन लोगों को ये शक था कि भाई ज्योति मिर्धा का घर रॉन्ग साइड है, बिका हुआ है, उनको कहते ना ज्योति मिर्धा तो बड़ा फार्म खरीदना चाहती है। और जितने लोग तो भाई वो भी कोई अच्छी बढ़िया जगह ढूंढो जहाँ अपने बढ़िया एक फार्म हाउस बनाएंगे, और ये जितने सारे यहाँ पे बैठे हुए इनके छाती पे मूंग दड़ने का काम अपन करेंगे आने वाले। और ये जितने अनशन बयान दिए कैसा, हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी क्या फालतू होगा? कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो, और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी गुडाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ज्योति मिर्धा के तंज कसने के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा को इलाज कराने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने तो खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए और कौमों के नेता हुए, लेकिन पार्टी बनाई, 3 MLA बनाए, MLA बना, इंडिया अलायंस कांग्रेस मैंने पीछे पीछे घूमी समझौता करने के लिए। और अब 3 दिन से मैं चाहता तो ज्योति की तरह सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूँ सत्ता के खिलाफ, इसकी तरह नहीं हूँ मैं, इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ठीक है ना। फिलहाल नेताओं के बयानबाजी कभी खत्म नहीं होने वाली है, और हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की जुबानी जंग ऐसे ही सामने आती रहेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह आज है। आपको बता दें कि आरपीएम में सीएम बजल्ला शिरकत करेंगे, सेरेमोनियल परेड की मुख्यमंत्री सलामी लेंगे, और साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को भी पुलिस पदक प्रदान करेंगे। तो बड़ी खबर, पुलिस स्थापना दिवस राजस्थान का मनाया जा रहा है, और आज खास तौर पर आरपीए में समारोह का आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। सेरेमोनियल परेड की सलामी लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो देखिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को जो है वो पुलिस पदक भी आज सीएम भजन लाल प्रदान करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह है जिसमें सीएम भजन लाल शिरकत करेंगे। उधर रियासी में हुए आतंकी हमले के 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने श्रद्धालुओं के खून से रियासी की धरती को लाल जरूर किया है, लेकिन इसका बदला सबसे भयानक होने वाला है। जम्मू से लेकर जयपुर तक पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का खून खौल रहा है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि आखिर आतंक का खात्मा कब होगा। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। क्या आतंक का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से ही पूरा होगा? पूरे देश में अब यही आवाज उठ रही है कि बस बहुत हुआ, अब आतंक के सर्वनाश का टाइम आ चुका है। जम्मू से जयपुर तक अब यही आवाज उठ रही है कि अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश में आतंक के खिलाफ उठ रही आवाज सरहद पार तक पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि अब कश्मीर में छिपे आतंकियों के चिथड़े उड़ेंगे तो पीओके में भी आतंकियों की कब्र खुदनी तय हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व पीएम फारूक हैदर ने मान लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसलिए फारूक हैदर ने शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि वो भी अपने आतंकियों को बचाने की तैयारी कर ले। सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है बेगुनाह जो अपनी लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नेते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दरअसल इस बार पीओके को लेकर पाकिस्तान
पूरी तरह से घिर गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। एनआईए को रियासी हमले की जांच के दौरान कई जानकारियां हाथ लगी हैं। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार कम थे, इसलिए उन्होंने घात लगाकर ड्राइवर पर निशाना लगाया, जिससे ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो दे। आतंकी चाहते थे कि बस में मौजूद सभी श्रद्धालु मारे जाएं, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से आतंकियों ने 40-50 राउंड फायरिंग की और उसके बाद बस सीधी 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं, कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ एस्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईवली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सीस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। रियासी में आतंक के गुनहगारों का हिसाब होने में कुछ ही वक्त बचा है। सेना के जवानों की गोलियां आतंकियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं। ड्रोन की नजर से आतंकी कब तक बच पाएंगे, उनका खात्मा तो तय है।